दूसरे यह है कि वो अहकाम शरीयत जो अहले इस्लाम की जमाती तंजीम, हम एक जमात हैं, हमारी तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन और मिल्ली वहदत के बारे में जो अहकाम वारिद हुए हैं उनमें भी हमें क्या है, इज्तिमाईयत की तालीम मिलती है। तीसरे वो दीनी हिदायत जिनमें जिंदगी के आम उमूर मामलात को भी किसी न किसी तरह की इज्तिमाई नज्म के साथ अंजाम देने की तलकीन की गई है, अभी वो उसकी तफसील आ रही। और चौथी चीज़ यह है कि हमारी जो इबादतें हैं फ़र्ज इबादतें उनमें हम देखेंगे इज्तिमाईयत के आदाब क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो उमरानी तसव्वुर है एक इंसान का और ख़ासतौर से एक मुसलमान का, तो उमरानी तसव्वुर की ज़बान में कुरान शरीफ क्या कहता है, वो एक तरफ यूं खिताब करता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था, ऐ लोगों तमाम लोगों हमने तुमको पैदा किया है एक मर्द और एक औरत, यानी एक ही नस्ल से चले हुए एक ही असल माँ बाप की तुम सब औलाद, लेकिन तन्हा तन्हा पैदा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कहते हैं कि हमने तुम्हें तन्हा तन्हा नहीं छोड़ दिया बल्कि वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल, फिर हमने तुम्हें बांट दिया है कौमों में और कबाइल में, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को कौमों और कबाइल में बांट दिया, ये फला कौम है फला कौम है फला कबीला है फला कबीला है, और मकसद ये नहीं है कि कोई उसकी फजीलत बल्कि लितआर हो ताकि आपस में तुम्हारा तारुफ हो, इससे पहचाने जाओ कि फला साहब फला जगह से ताल्लुक रखते हैं, फला जगह फला फला साहब फला खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो यहां पे इस्लाम जो है ना, आप इब्रानी हैसियत से आप देखें कि यहां पे इंसान इस्लाम इंसान को सिर्फ एक फर्द ही नहीं करार देता बल्कि उसे एक ग्रुप में रखता है, चाहे वो शोब में से हो चाहे कबाइल में से, और इस्लाम उसे यह नहीं कहता कि वो तन्हा किसी भी गोशे में किसी भी जंगल में जाके अपनी जिंदगी का बंदोबस्त करे, बल्कि उसे वो कहता है कि तुम्हें शोब और कबाइल के दरमियान रहते हुए हर एक को अपनी जगह पर रह के उसमें कंट्रीब्यूशन करना देना होगा और इज्तिमाई जिंदगी को क्या है आगे बढ़ाना होगा, यानी तन्हाई की जिंदगी नहीं है बल्कि इज्तिमाई जिंदगी है। चुनांचे हम इस सिलसिले में जो उमरानी हैसियत से दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो जो बिल्कुल आप हजरात के सामने वाजे है वो ये कि दीन इस्लाम कोई ऐसा दीन नहीं है कि जो सिर्फ चंद रस्म रवाज का नाम हो कि भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं बात ख़त्म हो गई, या मीलाद ईद मीलाद नबी मना लिया बात ख़त्म हो गई, बल्कि ये वो दीन है जो आपको सियासियात में भी तालीम देता है, समाजियात में भी तालीम देता है, माशियात में भी आपकी रहनुमाई करता है, आपके बाजार से मुतल्लिक तिजारत से मुतल्लिक हर कोई जिंदगी का ऐसा गोशा नहीं है कि जहाँ पे दीन इस्लाम वो अपनी तालीमात ना देता हो, गोया इंसानी जिंदगी का हर पहलू हर गोशा आप जिस सोसाइटी में जिस सेक्शन में जिस माशरे में जिस पहलू से भी काम कर रहे हो पता ये चलेगा कि इस्लाम ने वहां पे आपको अहकाम दिए। इस तरह से उसने ना तो आपको गैर जिम्मेदार छोड़ा है और ना ही बगैर रहनुमाई के आपको छोड़ा है, उसने हर जगह आपकी रहनुमाई की है। इस तरह से हर जगह आप देखेंगे कि माशरे में वो मुख्तलिफ किस्म के अफराद मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतों के अफराद मुख्तलिफ किस्म के उलूम फ़नून सीख लेने वाले अफराद फिर इस माशरे के अंदर आते हैं, हर कोई अपने अपने फील्ड में खिदमत अंजाम दे रहा होता है और फिर वो माशरा यूँ चल रहा होता है कि पता नहीं चलता। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम इंजीनियर नहीं हैं, हम कोई किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं, यूनिवर्सिटी में पता नहीं हज़ार किस्म के जो है वो उलूम पढ़ाए जाते हैं, हमारी मजमूई जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने इस बाजार में इस शहर में उसके मुकाबले में हमारी सलाहियत हमारा हिल्म हमारा फन बहुत ही क्या है मामूली, लेकिन हमें किसी जगह किसी कमी का एहसास नहीं होता कि अगर मसला हम बीमार हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हम क्या करें, डॉक्टर हैं, हमें अपनी गाड़ी चलानी है तो हमें सड़कों की ज़रूरत है तो सर हमें बनानी नहीं आती सड़कें हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह से हर एक चीज़ को आप प्रयास करते हैं कि हमें जाना भाई दाढ़ी बनवानी है चेहरा बनवाना है तो हमें तो खुद नहीं बना सकते ना हमारे घर का कोई फर्द बना सकता, दुकान मौजूद है
ये तमाम जगहें तमाम चीज़ों के अहकाम और उलूम और फ़नून इस्लाम ने बता दिए हैं, उसी में हम भी किसी कोने पे किसी जगह पे खड़े अपनी खिदमत क्या है अंजाम दे रहे होते हैं। तो पूरा माशरा हमारी खिदमत कर रहा होता है और हम तन्हा पूरे माशरे की खिदमत कर रहे होते हैं। ये उमरानी तसव्वुर हकीकत में दीन का। इसी तरह से जब तंजीमी अहकाम की जबान से हम सुनते हैं तो वहां पे हम जो बात अभी कह चुके हैं कि इंसान बहसियत फर्ज उसकी अहमियत का इस्लाम यानी इतराफ करता है बल्कि बयान करता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, इस तरह से कि वो दुनिया में तन्हा आया है और आखिरत में तन्हा वो अपने अमाल के लिए इंदल्ला जवाबदेह होगा, लेकिन उसकी इंफरादियत इज्तिमाइयत से गुजर कर जाती है। ऐसा नहीं कि अपनी मंजिल मकसूद को बगैर माशरे से गुजरे जो है वो पहुंच जाए। यहाँ पे जो तंजीमी अहकाम है आप देखें कि हमेशा इस्लाम ख़ा कुरान की जबान हो या हदीस की जबान हो वो इज्तिमाइयत की तालीम आपको वहाँ पर मिलती है। मसलन ये मशहूर आयत है कि वातसमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकु, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो और फिरकों में न बटो यानी गुरुओं में न बटो या तनहा तनहा न मुतफरिक न हो जाओ। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिल जमा व इयाकुम अल फुरका, एक बार दो चीजें कही गई हैं कि तुम लोग अलैकुम बिल जमा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जमात से चिमटे रहो जमात के साथ रहो, व इयाकुम अल फुरका और इफ्तराक से तफरुक से दूर होने से जमात से कटने से बचो। दूसरी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें पांच चीजों का हुक्म देता हूं, अमरुकुम बिखम्स, मैं तुम्हें पांच चीजों का हुक्म देता हूं और ये बिल्कुल सियासी जबान है। क्या पांच चीजों का आप हुक्म देते हैं? बिल जमा जमात का यानी इज्तिमाइयत के साथ चिमटे रहने का, अल जमात और समा का और तात का, समा का मतलब कि सुनना यानी इस जमात के साथ इसका जो मजमूई सिस्टम है उसे जो बतलाया जाए तो उसे कबूल करो उसे सुनो, सुनो सुनने का मतलब ही कि मानना है, और ताअत उसके मुताबिक क्या है इताअत है फरमाबरदारी है, वल हिजरा वल जिहाद फी सबीलिल्लाह और हिजरत का और अल्लाह की राह में जिहाद करने का। एक वक्त था कि हिजरत का हुक्म दिया गया था, यह भी इज्तिमाइयत का जो है क्या है तकाजा था। शायद वक्त ना मिल सके मैं ही इशारा कर दूं कि मदीना मुनव्वरा में जब रसूलुल्लाह सल्लम हिजरत कर फरमा कर गए हैं तो इस्लामी इज्तिमाइयत का ये लाजमी तकाजा था। कुरान शरीफ में ऐलान हुआ कि अगर कोई मोमिन है तो उसके ईमान का ये लाजमी तकाजा है कि अपनी जगह छोड़कर घर बार खानदान सब कुछ छोड़कर कहाँ आए मदीना मुनव्वरा आए। इस्लाम इस हद तक इज्तिमाइयत पसंद है, वो मुसलमानों की जमात को मुंतशिर नहीं देखना चाहता। ये आज बहुत सारे मुसलमान बगैर सोचे समझे चूंकि हमारी इज्तिमाइयत खत्म हो चुकी है तो कहाँ जी मैं बिस्तर बोरिया अपना उठा के फला जगह जा रहा हूँ जहाँ पर उसका ना दीन महफूज रहे ना ईमान महफूज रहे, बस जा रहे हैं जाना है जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान ने फरमाया कि जो भी शख्स मोमिन है मुसलमान है वो लाजमन मदीना में आए। ये हुक्म कब खत्म हुआ? कि जब मक्का फतह हो गया, क्योंकि अब मुसलमानों की इज्तिमाइयत ऐसी उसकी जरूरत नहीं रही कि एक टाइट एक यानी महदूद जगह में मुसलमानों जमा किया जाए। अब इस्लाम एक सियासी कुव्वत बन चुका है पूरे जजीरा नुमा अरब की, तो अब किसी मुसलमान को किसी कबीले से मुंतकिल होकर यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। अब इस बात का खतरा नहीं है कि वो वहां पे वो डिसॉल्व हो जाएगा डायलूट हो जाएगा, नहीं, वो अब उसकी क्या है उसके दीन और ईमान की जहां पे बैठा वहीं पे वो उसकी हिफाजत होगी। उससे पहले हिजरत जो है लाजमी थी। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये नंबर दो के तहत हम कह रहे हैं कि जो तंजीमी अहकाम है उस जबान में जो इस्लाम बात करता है उस जिम्न में कि फरमाया, ये हदीस अभी आप हमारे ब्रदर साले मुदी साहब सुन चुके हैं कि जो शख्स जमात से एक बालिश भर भी बाहर निकलता है तो उसने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन से निकाल दिया। इस्लाम का कलादा निकालने का मतलब यह है कि इस्लाम से उसका ताल्लुक क्या है खत्म हो गया।
नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुछ भी, लेकिन वो निकल गया अल जमात से। मैं पहले कह दूं कि अल जमात इस वक्त मौजूद नहीं है, आप लोग ये ज़हन रखिएगा, मैं किसी छोटी बड़ी उसकी जमात की बात नहीं कर रहा हूं। ये अल जमात, इसका मुराद, इससे मुराद मुसलमानों का जो असल मरकजी सियासी निजाम है उससे, वो अल जमात है। लेकिन अल जमात मुंतशिर हो जाए, मौजूद ना हो, तो क्या मतलब हमारे यहां कोई इज्तिमाइयत नहीं कायम होनी चाहिए? होनी चाहिए, उसका बाद में वक्त आएगा। तो जो अल जमात से निकल गया एक बालिश भर, तो वो गोया इस्लाम का कलादा उसने अपनी गर्दन से निकाल दिया। फिर ये भी है कि जो इताअत से निकल गया और अल जमात को छोड़ दिया, तो वो जब मरेगा तो जाहिलियत की मौत मरेगा, इस्लाम की मौत नहीं मरेगा। ये मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन जमात छोड़ के चले गए, इज्तिमाई जिंदगी जो इस्लाम की है, इज्तिमाई जो सिस्टम है, उसको छोड़ के चले गए, तो फिर जाहिलियत की मौत, उनकी जो मौत आई तो जाहिलियत की मौत आई। और ये भी फरमाया कि जो शख्स मर गया इस हाल में कि उसकी गर्दन में बैत नहीं है, बैत से मुराद किसी पीर साहब की बैत नहीं है, भी जान लीजिए कि बैत इस्लाम में किसी पीर की होती नहीं है, ये महदूद बैत है हकीकत में। असल जो बैत है वो सियासी जो हुक्मरान है, बादशाह कहें, खलीफा कहें, जो भी असल टॉप वो रहेगा, वो उसकी बैत, वो बैत होती है। और हदीस में जितने भी बैत के अल्फाज आए हैं वो सियासी हुक्मरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, आपके बाद खुलफाए राशिदीन के, उसके बाद जो भी मुसलमानों का इमाम होगा, और इमाम का मतलब मस्जिद का इमाम नहीं, इमाम का मतलब कि सियासी हुक्मरान, उसके लिए बैत होना जरूरी है। यानी गोया हो ही नहीं सकता कि एक मुसलमान शहरी है और किसी सियासी निज़ाम का वो पाबंद नहीं। और सियासी निज़ाम का मतलब ये हर कोई निज़ाम नहीं, इस्लामी निज़ाम है सियासत, इस्लामी निज़ाम है हुकूमत, उसका पाबंद। और बैत का मतलब यही होता है कि मैं बैत करता हूँ, यानी इसका मैं फरमा बरदार शहरी रहूंगा। यहां से जिन लोगों ने निकाला है कि फला पीर साहब की बैत, ये बहरहाल एक बहुत बड़े लफ्ज को बहुत घटिया जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, आप कह सकते हैं कि एक कोई पैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ बिटवीन टू पर्सन, वो हो सकता है किसी हद तक, लेकिन उसे हाईजैक कर लेना, उसके लिए बहुत बड़ी इस्लामी इस्तेलाह को, एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तेलाह को किसी और जगह के लिए, कि बहुत बड़ा डाका है। जी सर, मैं आप बता दूं, इसमें कोई मुझे कहने में हर्ज नहीं, मैं बिल्कुल 100% जो तसव्वुफ, ये नहीं कि 100% का मुखालिफ हूँ, तसव्वुफ में बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी, बल्कि तसव्वुफ की जो असल जो चीज़ है इस्लाम में तज़किया नफ्स, वो तो इस्लामी बुनियादी मुतालबात में से, उसका जो इनकार करे वो खुद इस्लाम के इनका मुनकर है, लेकिन तसव्वुफ के नाम से जो चीज़ें मान रहा है उसका कोई वजूद नहीं। तो जो तज़किया नफ्स है उसमें, इस्लामी तज़किया नफ्स में किसी बैत की, किसी यानी इस तरह की बैत की गुंजाइश नहीं। तो फरमाया कि जिसके बैत ना हो गर्दन में, वो जाहिलियत की मौत मरा। इसी तरह से ये भी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो शख्स इस जमात के मामले को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहे या बढ़ने की कोशिश करे, जबकि ये उम्मत मुत्तहिद हो, एक जमात में मुंसलिक हो, तो उसकी गर्दन मार दो तलवार से, कोई भी हो, कोई भी हो, ये मामूली अल्फाज नहीं है, कहे ना मनकान, कोई भी हो। यानी पता चला कि एक जमात मुसलमानों की है इस तरह से कि उनका सियासी नज्म बिल्कुल अपनी जगह पे जमा हुआ है, लेकिन कोई बहुत बड़े अल्लामा साहब निकल के वहां से जा रहे हैं, गर्दन मार दो उसकी। और इस सिलसिले में जो तालीमात हैं, यहां तक हैं।